गुड्डी साहब साहब कुली 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 साहब दो बैग का 800 रुपये लेगा साहब। नहीं 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 चाहिए। 700 रुपये में नक्की करो ना साहब। अरे नहीं नहीं चाहिए नहीं चाहिए। चलो 600 में तो नक्की करो ना साहब। बाहर तक छोड़ के आएगा साहब, स्टेशन के बाहर तक। अरे गुड्डी क्या है ये इतना सब फर्नीचर, ठंडे लगे सब ले आएंगे साहब। 500 फाइनल करो ना साहब। भैया 500? अरे झांसी में भी यही करेंसी चलती है, एहसान कर रहे हो क्या? नहीं चाहिए। नहीं 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 गुड्डी ठीक से पकड़, टाइट टाइट पकड़। अबे ओए कानपाड़ में हड़ताल है क्या? ये कैसा तरीका है किसी को बुलाने का? मतलब बड़े छिछोरे टाइप के लोग लगते हैं। तो बहुत गर्मी हो रही है, एक सेकंड रुक जाइए ना, इस स्वेटर निकाल ही देते हैं इसे। भैया देख के चलो। गुड्डी तो ठीक है? लाओ तेरे टाइम नहीं अपने पास उसके लिए क्या? तो चिंता मत कर, एक जाने का तो 10 आने का है। मरो दे ताला। कौन टकराया क्या गिरा उसे कोई लेना देना ही नहीं है। इधर एक जाने का 10 आने का। ठीक से हाथ पकड़ के चल मेरा। बाप रे बाप दादा, यहाँ तो इतनी भीड़ है जितनी कंपनी बाग वाले झांसी के मेले में होती है। पर ऐसे तो दसियों स्टेशन है मुंबई में। सही बोलते हैं सब, मुंबई में ना किसी को सोने का टाइम है ना रुकने का टाइम है, टाइम ही नहीं है किसी के पास। इधर एक जाने का 10 आने का। टाइम का तो पता नहीं लेकिन चलने को जगह बिल्कुल भी नहीं है। क्या बकवास है ये, इनका बस चले तो एक के ऊपर एक चढ़ के घूमेंगे यहाँ। चढ़ते ना डबल डेकर बस में एक के ऊपर एक। इतना क्या हवा बना के रखा है मुंबई का, है क्या यहाँ सिर्फ भीड़ भाड़, शोर, चिप चिप, ट्रैफिक? छह ये बदबू। गुड्डी इतनी बदबू तो हमारे जब्बू के नाले से नहीं आती जितनी यहाँ से आ रही है। चल पहुंच गए। हाँ लवी दादा थे साथ में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी स्टेशन से निकल के टैक्सी में बैठ गए हम। रणबीर कपूर दिखा क्या? हाँ स्टेशन में ही खड़ा था, बोला था वेलकम टू मुंबई। अरे इतना कैसे हो गया, मीटर खराब है क्या? अरे बाप रे 250। एक सेकंड फोन होल्ड कीजिए ना जरा। अरे अरे फोन ऑफ हो गया दादा। हेलो हेलो, अरे लवी से बात करो, कट गो दादा। आप जरा अपने फोन में चेक कीजिए ना यहाँ से गेस्ट हाउस कितना दूर है। अरे घर से फोन आ गया, फिर से बात कर ले। देखो गुड्डी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, फोन हमेशा 100/100 फुल चार्ज होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी तुम चार्ज करना भूल जाती थी पर हमें पता होती थी तुम कहाँ हो। वहाँ का हिसाब किताब तो कुछ पता ही ना है, इसलिए गुड्डी फोन फुल चार्ज तैनात रखो।
बाय कर दे, मैप्स में देखना है कहीं घुमा के तो नहीं ले जा रही है। अब हम ना आपसे बाद में बात करते हैं। जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। ये हमेशा ही इतना ट्रैफिक लगा रहता है क्या? हाँ मैडम। चलो पहुंच गई गुड्डी सही से। पिंटू ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है, जाओ निकलो। राधे तुम भी दुकान के लिए निकलो, राजा साहब से संभलेगी नहीं दुकान। पानी की बोतल तो लेके जा। हम और गौमती अम्मा को लेके जा रहे हैं चेकअप के लिए। दुकान जा। हाँ। अम्मा सजली संभल के। गुड्डी से बात हो गई? हाँ ठीक से पहुंच गई है, चले चलो। सुमन हमने दाल चढ़ा दी है, तुम सब्जी देख लेना, आते आते कहीं देर ना हो जाए। जी दी। थोड़े देर सोने दो ना प्लीज। गुड्डी उठ जाओ, ऑफिस जाना है तुमको। हमें तो पता था कि इसके पास की बात नहीं है सुबह उठना। हम कहते थे इतनी देर मत सोने दो, पर तुम्हें तो लाड़ आता था। 6:30 बजे उठना था, 7 बज चुके। मम्मी पहले ही दिन ऑफिस में लेट नहीं हो सकते ना? मैं यार आपने पहले फोन करके क्यों नहीं उठाया हमें? गुड्डी मेला घूमने नहीं जाना है। बड़ी हो गई हो, ऑफिस जाना है तो जल्दी उठने की आदत डाल लो, समझी? हाँ बड़ी मम्मी आपकी बात तो सही है, पर कल वो घर भर देखने में हम थक गए थे ना, तो आँख लग गई, खुली नहीं। वैसे मौसम कैसा है गुड्डी उधर? गुड्डी तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो जाओगी। और हाँ कुछ खा लेना वरना तुमको एसिडिटी। हाँ, हाँ, सब कर लेंगे मम्मी। दादा लेट हो रहा है, जल्दी उठिए। जल्दी करो दादा, 9:30 बजे ओरिएंटेशन के लिए रिपोर्ट करना है हमें। लोकल ट्रेन से जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा और यहाँ से स्टेशन तक 20 मिनट दिखा रहा है दादा। अरे 10 मिनट लेट पहुंचेगी तो कोई निकाल नहीं देगा। सबको बताए कि तू मुंबई से नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में। दादा 2 मिनट में 10 मिनट और बढ़ गए, 30 मिनट लगेंगे हमें। अरे ठीक है आ ही रहे हैं, अभी करना ही क्या है, बस रेडी होके नाश्ता करेंगे फिर निकल जाएंगे। 40 हो गए, बहुत लेट हो रहा है। हम ना ऑफिस अकेले चले आते हैं, यहाँ से चल के स्टेशन जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना? अब बाद में बचा से बाय। अरे भाई क्या, अरे अकेली तो झांसी भी नहीं गई, तू मुंबई में कहाँ जा रही है परेड कर रहे? अरे कहीं फंस जाएगी, रुक रुक जा गुट्टी। अरे रुक जा। अरे यार ये बार बार रूट क्यों बदल रहा है? अरे यार अब भैया स्टेशन के लिए रास्ता बाहर गांव से आई हो क्या? हाँ थोड़ा जल्दी में। मैडम यहाँ सब जल्दी में रहते हैं। देखो रोड क्रॉस करके आगे से दूसरा लेफ्ट और वहाँ पे एक स्कूल गिरेगा। गिरेगा मतलब? गिरेगा बोले तो वहाँ पे। अच्छा वहाँ से? वहाँ से राइट। अच्छा थैंक यू। मैडम जरा देखते।
सॉरी सॉरी। रे यार अरे गुड्डी बौरा गई है तू, हमने कहा रुक जा, तू अकेली क्यों चली गई? सर वो पहुंच गए स्टेशन, कभी ना कभी तो अकेले चलना सीखना ही होगा ना हमें। हाँ पहले दिन ही सारे झंडे काट दे तू। दादा हम ना आपको ट्रेन में चढ़ के फोन करते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट पर प्लेट कितना? सर आपके स्टे में इंक्लूडेड है। कल से अब तक ये पहली बार कैदे के बोलिए। आपको बताए झांसी में हमारी भी कैंटीन है इंजीनियरिंग कॉलेज में, 8 लोगों का स्टाफ है हमारे अंदर। अरे भोपाल तक के वेंडर्स जानते हैं हमें। आइए सर प्लीज। हाँ प्लीज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.